हेलो एवरीवन, आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर ओएस 11 के बारे में। जी हाँ, कलर ओएस 11 आने वाला है बहुत जल्दी। 14 सितंबर को उसका लॉन्च होने वाला है। कलर ओएस ने या फिर ओप्पो ने ट्वीट करके बताया, इंस्टा पे भी पोस्ट हुआ है उनका कि जो कलर ओएस 11 है वो आने वाला है बहुत जल्दी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या कुछ उसमें नया देखने के लिए मिलेगा और कौन कौन से डिवाइस में पहले आएगा बीटा टेस्टिंग के लिए जो ट्रायल वर्जन होगा। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी जाकर दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ओप्पो का जो अनाउंस कर दिया है कलर ओएस 11 का जो स्क्रीन होगा, कलर ओएस 11 जो बेस्ड होगा वो एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा, जो कि 14 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। ऑनलाइन लॉन्च इवेंट होगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा कलर ओएस 11 को बीटा टेस्टिंग के लिए। जो पहले फ़ोन्स होंगे, पहले जो सीरीज़ है ओप्पो का जो फाइंड X2 सीरीज़ है उसके लिए आएगा और रेनो 3 सीरीज़ के लिए आएगा, लिमिटेड यूज़र्स के लिए आएगा जो उनके ट्रायल वर्जन के लिए कह सकते हैं या फिर बीटा टेस्टिंग के लिए आएगा। दो सीरीज़ क्या आएगा, फाइंड X2 सीरीज़ और ओप्पो का जो रेनो 3 सीरीज़ है उसके लिए आएगा। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमको इसमें नया देखने के लिए मिलता है। तो अब सबसे पहले बात आती है जो हमको इसमें नया देखने के लिए मिलता है, पहले पर्सनलाइजेशन में देखने के लिए नया मिलता है। आप जो आपका इंटरफेस होगा उसको अपने तरीके से आप उसको रख सकते हैं और जो डार्क मोड वाला फीचर है आप उसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो लाइटिंग इफेक्ट रहेगा और एम्बिशन लाइटिंग, जो लाइट में ये साइड में एजेस वाली लाइट जलती है, वो भी नया फीचर दिया गया है कलर ओएस 11 में। डार्क मोड का शेड्यूल आप चेंज कर सकते हैं हाई एफिशिएंसी के साथ में। जो क्विक लॉन्च है, टच और जो टच और होल्ड वाला जो रिस्पांस होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो परफॉर्मेंस होगी एआई ऐप के जरिए, एआई ऐप प्री लोडिंग के जरिए जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर कर दी जाएगी जो परफॉर्मेंस के मामले में। अब सिस्टम की बात करें तो आप इसको अपने बेड टाइम के हिसाब से इसका डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो पीरियड है उसको सेट कर सकते हैं कलर ओएस 11 में। यानी कि जब आपको, मुझे मान लीजिए 9 बजे सोना है तो मैंने 9 बजे का टाइम लगा दिया, तो 9 बजे से 6 बजे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, डू नॉट डिस्टर्ब वाला नया एक सिस्टम आएगा। और जो वेदर एनिमेशन होता है वो प्रोवाइड कराया जाएगा आपको जब इंटरनेट पे आएंगे, तो आपको कोई अलग से अदर ऐप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब लॉन्चर में क्या कुछ नया देखने के लिए आपको मिल जाता है, लॉन्चर में आप अपने हिसाब से थर्ड पार्टी ऐप्स के भी जो आइकन्स हैं उनको बदल सकते हैं, अलग अलग तरीके के आइकन रख सकते हैं। और आप जो परमिशन मैनेजर होगा आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। और सेंसिटिव परमिशन अगर आपको नहीं देना है किसी ऐप को तो आप उसको नहीं दे सकते हैं। और गेम्स की बात करें, बहुत सारे लोगों को चाहिए था जो वॉइस चेंजर भी ऐड होने वाला है कलर ओएस 11 में। और साथ ही कलर ओएस 11 में ऐड हो जाएगा जो आपके टचेस वगैरह थे जो होल्ड करने पे, यानी बहुत बार ऐसा होता था कि लैग करता था गेम वगैरह, वो आप नहीं देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी मक्खन चलने वाला है, एकदम स्मूथ चलने वाला है आपका जो गेम होने वाला है। और जो कॉल अप मेथड होता है गेम का उसको आप चेंज कर सकते हैं गेम असिस्टेंट में जाके। अब कैमरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कैमरा है एडिट शॉर्टकट टू इंस्टेंटली शेयर्ड एंड एडिट फोटोज और वीडियो जस्ट अ लुक। तो आप अभी वीडियोज़ और फोटो को एडिट भी कर सकते हैं एक टच के जरिए और उसको शेयर भी कर सकते हैं किसी अदर को, कैमरे वाले सेक्शन से ही आप कर सकते हैं। जूम फीचर जो होगा उसको और अच्छा दिया गया और स्मूथ, और वीडियो शूटिंग के लिए भी जूम आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा। एडेड द लेंस स्टैंड डिटेक्शन फीचर, जो लेंस स्टैंड डिटेक्शन फीचर होता है, जो कि आप जब मान लीजिए मैं अल्ट्रा वाइड लेंस से फिर मैंने मेन लेंस पे फोकस किया, यानी जब मैं टर्न आउट किया, तो वो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और आपका जो ग्रिड लेवल होगा उससे आपको वीडियो को कंपोज करने में काफ़ी अच्छा होगा। तो एडिटिंग जो होने वाली है कलर ओएस 11 में काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, ऐसा मान के चलिए काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं एसेसिबिलिटी की, जो है उसमें आएगा 2 फिंगर स्वाइप अप गेस्टर टू क्विकली कॉल टू एसेसिबिलिटी फीचर। तो आप अगर आप मान लीजिए गेस्टर ऑन कर दिया आपने, अगर आपका कॉल आ रहा है तो आप ऐसे 2 फिंगर्स ऐसे करेंगे तो आपका जो कॉल होगा वो उठ जाएगा। और साउंड एम्पलीफायर भी आपको दिया जाएगा कलर ओएस 11 में, जो साउंड एम्पलीफायर का कोई अलग ऐप होगा या फिर सेटिंग्स के जरिए ये साउंड एम्पलीफायर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो तो देखने वाली बात है। तो लेकिन यही जो कुछ मैंने आपको बताया, जो कि सारे के सारे फीचर जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट पे भी मैंने दिखा दिए, यही कुछ नए नए फीचर आने वाले हैं। और जो आएगा साउंड एम्पलीफायर उसको आप मजा ले सकते हैं ईयरफोन और अपना ब्लूटूथ हेडसेट लगा के। दोस्तों, तो कलर ओएस 11 आने वाला है 14 सितंबर को, ओप्पो रेनो 3 सीरीज़ के लिए आने वाला है और साथ ही फाइंड X2 सीरीज़ के लिए भी आने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आने की, जब कलर्स 11 आने वाला है एंड्रॉयड 11 पे चलेगा। अभी तो बाकी 7.1 चल रहा है, बहुत सारे डिवाइसेज में कलर्स 8 आने वाला है, बहुत सारे डिवाइसेज की लिस्ट भी हो गई है। दोस्तों,
तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया कलर सेलेक्शन का तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में किसी और दिन। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।